हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल में एक व्हाट्सअप को दो व्हाट्सअप बनाकर कैसे चलाए, वो भी अलग अलग नंबर से। अगर आप लोग भी अपने मोबाइल में दो व्हाट्सअप चलाना चाहते हो अलग अलग नंबर से, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो के बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी को नॉलेज हो जाए कि हम अपने मोबाइल में दो व्हाट्सअप कैसे चला सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल सी गाइस, जैसा कि आप सब मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे है कि मैं यहाँ पर दो व्हाट्सएप ऐप को यूज कर रहा हूँ, वो भी अलग अलग नंबर से। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग भी अपने मोबाइल में दो व्हाट्सएप चला सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, अपने मोबाइल को सेटिंग्स को ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आप सभी को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल सी गाइस, आप सभी को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करनी है। स्क्रॉल जैसे ही करेंगे तो आप सभी को कहीं पर ऐप्स वाली ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी को यानी ऐप्स वाले ऑप्शन पर टैप कर देनी है। अदरवाइज मैं यहाँ से एक बार बैक आ जाता हूँ, अदरवाइज आप सभी को ऐप्स वाले ऑप्शन कहीं पर नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो ऐप मैनेज का ऑप्शन कहीं पर देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी को ऐप्स या ऐप मैनेज ढूंढ लेनी है एंड आप सभी को उसको ओपन कर लेनी है। ओपन जैसे ही करेंगे तो आप सभी को डुअल ऐप्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, या फिर आप सभी को दूसरा मोबाइल होगा तो ऐप क्लोन का कहीं पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी को डुअल ऐप्स वाले ऑप्शन पर टैप कर देनी है। जैसे डुअल ऐप्स वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर डुअल ऐप्स का जन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी और आपके मोबाइल में जितने सारे ऐप्स रहेगी तो यहाँ पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो अप हो जाएगी। तो देन आप सभी को अपने मोबाइल में यानी व्हाट्सअप ऐप को यानी दो व्हाट्सअप बनाकर चलानी है अलग अलग नंबर से। तो आप सभी को फर्स्ट नंबर पर व्हाट्सअप दिख रहे हैं तो आप सभी को उस पर टैप कर देनी है। इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आप सब जैसा कि देख सकते हैं कि ये बटन मेरे में ऑन है, बिकॉज मैं यहाँ पर दो व्हाट्सअप ऐप को चला रहा हूँ, वो भी अलग अलग नंबर से। तो आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर कर ये वाले बटन को यहाँ से ऑन कर देनी है। ऑन जैसे ही करेंगे तो आपका दो व्हाट्सअप बन जाएगी और आप बहुत जल्दी दो व्हाट्सअप ऐप को चला सकते हो अलग अलग नंबर से। अदरवाइज मैं आप सभी को एक लास्ट और सेटिंग्स बता देता हूँ। आप सभी को अपने सेटिंग के ऊपर में आ जानी है एंड सेटिंग के सर्च बार पे एक ऑप्शन मैं बता देता हूँ। आप सभी को अगर कहीं पर ये डुअल ऐप्स या ऐप क्लोन का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहे हैं तो आप सभी को ये सर्च बार पर ऐप क्लोन सर्च कर लेनी है। सर्च जैसे ही करेंगे तो डुअल ऐप्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, तो उस पर टैप करके डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। एंड आप सभी को फिर से बैक आ जानी है एंड इसको यहाँ से कट कर देनी है और आप सभी को फिर डुअल ऐप्स सर्च कर देनी है एंड आप सभी को फर्स्ट वाली ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो उस पर टैप करके यहाँ पर डायरेक्ट आकर एंड ये वाले बटन को यहाँ से इनेबल करके आप बहुत इजीली अपने यानी मोबाइल में दो व्हाट्सअप चला सकते हैं अलग अलग नंबर से। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।